नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। महिला की सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए योगी सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बार बार देखी जा रही हैं और ऐसा ही घटना आज झांसी में फिर देखने को मिली, जहां अपनी ही भाभी के मामा पर बंधक बनाकर बलात्कार करने, नशीले पेय पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने तथा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक युवती ने न्याय के लिए एसएसपी की शरण ली। महानगर के शहर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के अनुसार उसकी भाभी के मामा मिथुन द्वारा उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। उसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया तथा उसकी अश्लील वीडियो बनाई। आरोप लगाया गया है कि मिथुन ने उसके साथ रॉयल सिटी पंचवटी कॉलोनी में एक महीने तक जबरन बंधक बनाकर बलात्कार किया है। इसके बाद वह उसे झांसी के बाहर ले गया और वहां भी कट्टे के बल पर बलात्कार करता रहा। इस बीच मिथुन द्वारा उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह से वह उसके चंगुल से छूटकर आई और कोतवाली थाना क्षेत्र पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने तथा सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई है। झांसी संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मारपीट भी की, मेरी वीडियो भी बनाई, बहुत गंदी गंदी वीडियो भी है उसके पास मेरी, और वायरल करने की भी धमकी देता था। बार बार मुझे अलग अलग नंबरों से फ़ोन लगा रहा है, फिर से बुला रहा है, आ वरना तो वीडियो वायरल कर दूँ कुछ। जब मैंने घर पे और पुलिस में शिकायत कर दी तो उस दिन से फ़ोन नहीं लगा रहा है, वरना और कह रहा था तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा तेरी।